शांति। आज की तारीख है 11/1/15 और आज रविवार है, तो हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 23/1/79 की जनवरी मास की मुरली है। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हरेक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। हरेक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। सुहागिन कहा जाता है जो पत्नी पति से पहले शरीर छोड़ती है तो उसे सदा सुहागिन कहते हैं, अर्थात वो विधवा होके नहीं जीवन व्यतीत करती, परंतु विधवा बनने से पूर्व वो सदा सुहागिन बन करके देह का त्याग करती है। सुहागिन का अर्थ सौभाग्यशाली भी होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा हरेक बच्चे को ऐसा भाग्यशाली सौभाग्यशाली नहीं नहीं, बाबा तो कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली हम बच्चों को देख रहे हैं। भाग्य विधाता के द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक है सुहाग, दूसरा है भाग्य। यदि धनी शरीर छोड़े, पति शरीर छोड़े, तो वो सुहागिन नहीं परंतु वो अभागी कहलाते हैं, अभागन कहलाती है। तो बाबा भी कहते हैं जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों से होती है, एक है सुहाग और दूसरा है भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वो अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। हम सब सजनियों का साजन कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, जो कि अविनाशी है और अमरनाथ है। तो सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। जैसे किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करना होता है तो उसमें शुभ मुहूर्त जैसे देखा जाता है, ऐसे कार्य करने की विधि में भी सुहागन को प्रथम अवकार देते हैं, सम्मानित करते हैं और उसके द्वारा कार्य कराते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही ये सब रीति रसम अविनाशी सुहाग का यादगार
चला आ रहा है। अच्छा, ऐसे सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा सिमृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है आज का, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाटदारी भव। इस मर्जी व जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। मर्जी व जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातों पर है। एक है सदा परोपकारी रहना, दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाटदारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रालब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। आदि से अंत तक की रिजल्ट में यदि ये दो बातें प्रथम स्थान पर हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो सारे कल्प के लिए उनकी प्रालब्ध श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है आज का, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। व्यक्त बाप दादा और अव्यक्त बाप दादा दोनों ही के याद प्यार हम बच्चों ने पाए। अच्छा, ओम शांति।